बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फोर न्यू काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 10। सॉल्व द फॉलोइंग सम। आवर फर्स्ट सम इज 82,165 मल्टीप्लाई बाई 253। हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने नंबर राइट किया हुआ है 5, 3 5 ज़र 15। 5 को राइट करेंगे एंड 1 को क्या कर देंगे, 1 को हम लोग कैरी कर लेंगे। 6 3 ज़र 18 प्लस 1 19, तो 1 हम कैरी कर लेते हैं पहले एंड 9 को राइट कर देते हैं। 3 3 1 ज़र 3 प्लस 1 4, 3 2 ज़र 6 एंड 3 8 ज़र 1 हमारे पास आ जाएगा। 3 8 ज़र 24, हम 24 को राइट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर जो है वो क्या है, 10 पोजीशन पर है, तो हम 1 पर 0 राइट कर देंगे। 10 से स्टार्ट करें, 5 5 ज़र हमारे पास आ जाएगा 25। 5 को राइट करेंगे एंड जो 2 है हम उसको कैरी कर लेंगे। 5 6 ज़र 30 प्लस 2 32, तो 3 को हम पहले से कैरी कर लेते हैं एंड 2 को हम लोग राइट कर लेते हैं। 5 1 ज़र 5 प्लस 3 8। 5 2 ज़र 10 का क्या हो जाएगा, 1 हम कैरी कर लेते हैं एंड 0 को हम राइट कर लेते हैं। 5 8 ज़र 40 प्लस 1 40, 1 राइट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर 100 पोजीशन पर है, तो हम 1 एंड 10 पर 0 लगा देंगे और 100 पोजीशन से इसको स्टार्ट करेंगे। 2 5 ज़र 10 आ जाएगा, तो 0 को राइट करेंगे एंड 1 को हम कैरी कर लेंगे। 2 6 ज़र 12 प्लस 1 13, 1 क्या कर लेते हैं, पहले कैरी कर लेते हैं एंड 3 को राइट कर लेते हैं। 2 1 ज़र 2 प्लस 1 3, 2 2 ज़र 4, 2 8 ज़र क्या आ जाएगा, 16। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको सम करते हैं। यहाँ पर देखें 5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14। 1 को हम क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। 4 5 6 7 7 राइट कर देंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 3 9 9 प्लस 8 17, 7 को राइट करेंगे एंड 1 को कैरी कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 5 7, यहाँ से हमारे पास 10, 0 को राइट करेंगे, 1 को कैरी करेंगे। 1 प्लस 1 2, हमारा जो आंसर है वो बन चुका है 20,787,745। नेक्स्ट पार्ट बी जो है हम उसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी हमारे पास है 91,327 मल्टीप्लाई बाई 471। पहले क्या हो जाएगा, 1 जो होगा 1 7 ज़र 7, 1 2 ज़र 2, 1 3 ज़र 3, 1 1 ज़र 1 एंड 1 9 ज़र 9। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 10 पोजीशन पर है, तो 1 पोजीशन पर हम 0 को राइट कर देंगे। 7 7 ज़र 49, 4 को पहले कैरी कर लेते हैं एंड 9 हम राइट कर देते हैं। 7 2 ज़र 14, 14 में 4 ऐड होगा तो 18 हो जाएगा, तो 1 कैरी कर लेते हैं एंड 8 को राइट कर लेते हैं। 7 3 ज़र 21, 21 प्लस 1 22, तो 20 का जो 2 है वो 2 कैरी कर लेंगे एंड 2 को राइट कर लेंगे। 7 1 ज़र 7 प्लस 9 आ जाएगा। 7 9 ज़र हमारे पास आ जाएगा 63। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या है, 4 4 इज़ ऑन अ प्लेस ऑफ 100, सो वी राइट 0 ऑन अ 1s एंड 0 ऑन अ 100 प्लेस। 4 7 ज़र हमारे पास आ जाएगा 28, तो 2 को हम कैरी कर लेंगे एंड 8 हम राइट कर लेंगे। 4 2 ज़र 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 1 हम कैरी कर लेंगे एंड 0 हम राइट कर लेंगे। 4 3 ज़र 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, तो 1 कैरी कर लेंगे एंड उसका 3 राइट कर लेंगे। 4 1 ज़र 4 प्लस 1 5, 4 9 ज़र हमारे पास आ जाएगा 36। अब हम इनको सम कर लेते हैं, 7 11, 1 राइट करेंगे, 1 कैरी कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 16 16 प्लस 3 हो जाएगा 19 19 प्लस 1 20, तो 2 को कैरी कर लेंगे एंड 0 उसका राइट कर लेंगे। 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 3 21, तो 20 कैरी कर लेंगे, 1 उसका राइट कर लेंगे। 5 प्लस 5 हमारे पास हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 3 एंड 5 ही 10 हो जाएगा, 0 को राइट करेंगे एंड 1 को कैरी कर लेंगे।
सिक्स प्लस वन 13 हो जाएगा, 3 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे एंड 3 प्लस 1 4 हो जाएगा हमारे पास। हमारा जो आंसर आ चुका है वो हो चुका है 43,015,017। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट ए एंड बी सॉल्व हो चुके हैं। रिमेनिंग टू पार्ट्स का सेम यही प्रोसेस है, आपने इसी प्रोसेस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। हमारे पास ये क्या है, हॉरिजेंटल पोजीशन में नंबर्स राइट है, हमने इनको वर्टिकली राइट करना है और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। चलें अब मैंने इनको वर्टिकल पोजीशन में मैंने राइट कर दी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 90 के साथ 0, 90 0 0, 92 0 18, 8 को राइट करेंगे, 1 को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। 9 1 0 9, 9 प्लस 1 10, 1 पहले कैरी कर लेते हैं फिर 0 को हम राइट कर लेते हैं। 9 9 0 81, 81 प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 82 हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट 3 जो है वो क्या है, 10 पोजीशन पर है, तो हम 10 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। तो 1 पोजीशन पर हम पहले 0 को राइट कर देते हैं। 3 0 0 0, 3 0 0 0, 3 2 0 6, 3 1 0 3 एंड 3 9 0 हमारे पास आ जाएगा 27। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 6 प्लस 0 6, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 15। 5 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, 1 प्लस 2 3, तो हमारा जो आंसर आ चुका है 3,556,800। पार्ट नंबर ए सॉल्व हो चुका है, पार्ट नंबर बी को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट बी में हमारे पास नंबर है 10,925 मल्टीप्लाई बाय 76। 6 5 0 हमारे पास आ जाएगा 30। 0 को राइट करेंगे एंड 3 को क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे। 6 2 0 12, 12 प्लस 3 15 हो जाएगा, तो पहले हम कैरी कर लेते हैं फिर हम राइट कर देते हैं। 6 9 0 हमारे पास आ जाएगा 54 प्लस 1 55। 5 को पहले कैरी कर लेते हैं, नेक्स्ट 5 हम राइट कर लेते हैं। 6 0 0 0 एंड 5 हमारे पास आ जाएगा 6 1 0 6। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, 10 पोजीशन पर है, 1 पोजीशन पर पहले आप 0 को राइट करें। 7 5 0 35, 3 को कैरी कर लेंगे, 5 को राइट कर लेंगे। 7 2 0 14, 14 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 17। 1 को पहले कैरी कर लिया करें ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। फिर क्या आ जाएगा, 7 9 0 हमारे पास आ जाएगा 63। 63 प्लस 1 64, तो 60 को कैरी कर लेंगे एंड 4 को राइट कर देंगे। 7 0 0 0 एंड 6 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा 7 1 0 7। 0 10 हो जाएगा, 0 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13। 3 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10। 0 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 13। 3 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 8। यानी हमारा जो आंसर आ चुका है 830,300 हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, पार्ट सी में हमारे पास नंबर है 58,912 मल्टीप्लाई बाय 131। 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा, सेम इसी तरह नंबर रहेगा। 1 2 0 2, 1 1 0 1, 1 9 0 9, 1 8 0 8 एंड 1 5 0 5। नेक्स्ट नंबर इज ऑन अ 10 पोजीशन, सो वी राइट 0 ऑन अ वंस एंड स्टार्ट फ्रॉम 10। 3 2 0 6, 3 1 0 3, 3 9 0 हमारे पास क्या जाएगा 27। तो 20 को कैरी कर लेंगे एंड 7 को राइट कर देंगे। 3 8 0 3 3 8 0 आ जाएगा 20। 4 24 में 2 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24 प्लस 2 26। तो 26 का जो 2 है, जो कि 20 है, हम उसको कैरी कर लेंगे 2 एंड 6 को हम राइट कर लेंगे। 3 5 0 15 प्लस 2 17। नेक्स्ट नंबर क्या है, 100 पोजीशन पर है, तो हम 1 and 10 पर 0 लगा देंगे। 2 1 2 0 2, 1 1 0 1, 1 9 0 9, 1 8 0 8 एंड 1 5 0 5 आ जाएगा। 2 7 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 14। 4 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 17। 7 को राइट करेंगे, 1 को कैरी कर लेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 19। क्योंकि देखें 5 प्लस 6 12, 12 प्लस हम 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21।
हम वन को राइट करेंगे, उसका जो ट्वेंटी है, जो टू है, उसको हम लोग कैरी कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा सेवनटीन, सेवन को राइट करेंगे एंड वन को कैरी कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा फाइव सिक्स सेवन, यानी हमारा जो आंसर आया है, हमारा आंसर आ चुका है 7,717,472। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर इलेवन कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है, परफॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन। हमने डिवीजन को परफॉर्म करना है। पार्ट नंबर ए हमारे पास है 43,256 डिवाइडेड बाय 24। हमने इस नंबर को 24 के साथ डिवाइड करके अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। नंबर्स को मैंने राइट कर दिया। अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पर टू डिजिट्स हैं तो हम यहाँ पर भी टू डिजिट्स ही लेंगे। जब टू डिजिट्स हम लेंगे तो हमारे पास नंबर क्या बन चुका है, 43। अभी देखें, 24 ones are 24, 24 twos are 48। 2 के साथ अगर हम जाएं तो हमारे पास क्या आता है, 48। तो हम 1 के साथ ही जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 24। हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर देखें 3 माइनस नहीं हो सकता, ये खुद 3 हो जाएगा एंड इसको 1 देगा 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गया तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 9। यहाँ से गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को उतार देंगे। जब 2 को हम उतारेंगे तो ये नंबर हमारा क्या बन चुका है, 192 को हमारे पास नंबर बन चुका है 192। अब हमने कोई ऐसा बड़ा नंबर ढूंढना है जिसके साथ क्या हो, या तो ये आए या तो इसे क्या आना चाहिए, हमारा आंसर छोटा आना चाहिए। तो देखें हम कर लेते हैं 24 को 8 के साथ लेकर चले जाते हैं। 24 8 के साथ जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 32। 2 को राइट करेंगे, उसका जो 30 वाले जो 3 है उसको हम लोग कैरी कर लेंगे। 8 2 16 16 प्लस 3 करेंगे तो आ जाएगा 19। हमारे पास क्या आ चुका है, 192। एग्जैक्ट वही नंबर है जो हमें चाहिए था, तो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 8 192 हम राइट कर चुके हैं। यहाँ से हमारे पास 0 आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 5 को नीचे उतार देंगे। लेकिन यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट इकट्ठे उतार लेंगे, 6 को भी उतार लेंगे। जब भी 2 डिजिट्स इकट्ठे उतरते हैं तो हम यहाँ पर कोटियन में क्या राइट कर लेते हैं, 0। अब हमारा नंबर क्या बन चुका है, 56। अभी देखें, 24 ones are 24, 24 twos are हमारे पास आता है 48। 3 के साथ जाते हैं तो 72 आता है, तो हम 2 के साथ ही जाएंगे। 2 के साथ जाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 48। हम 48 को राइट करेंगे, हमारे पास यहाँ से देखें ये हो जाएगा 4, 1 इसको देगा 16, यहाँ से आ जाएगा 8 एंड 0। यानी हमारे पास जब ये डिवाइड हुआ है तो हमारे पास रिमाइंडर आया है 8 एंड कोटिएंट पर हमारे पास क्या आया है, 1,802 हमारा कोटिएंट है। एंड हमारे पास जो रिमाइंडर आया है, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ चुका है, 8। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के जो रिमेनिंग पार्ट है उनमें भी डिवीजन का सेम प्रोसेस है, हम इस सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 को स्टार्ट कर लेते हैं, सेम इसमें भी डिवीजन ही हो रही है। पार्ट नंबर ए हमारे पास है 46,028 डिवाइडेड बाय 38। हम इसको डिवाइड इस तरीके से करेंगे, देखें मैंने ये नंबर्स को राइट कर लिया। अभी यहाँ पर 2 डिजिट हैं, 2 लेंगे तो यहाँ पर देखें अगर 32 2 के साथ जाएंगे तो हमारे पास नंबर बड़ा आता है, तो हम 1 के साथ ही जाएंगे। 1 के साथ जब जाएंगे तो 38 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो देखें यहाँ से ये 3 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 8 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 0 को नीचे उतारेंगे, 0 को नीचे उतारेंगे तो हमारा नंबर क्या बन चुका है, 80। अब हम क्या करेंगे, 38 1 सर तो ये आए, अब हम 38 को 2 के साथ करेंगे तो 16 1 कैरी हो जाएगा, 6 7। तो हम क्या करेंगे, 2 के साथ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, 76 हमारे पास रिमाइंडर आएगा 4। नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 को नीचे उतार देंगे तो ये क्या 42 हो जाएगा, 1 के साथ इसको लेकर जाएंगे 38 हो जाएगा। यहाँ पर देखें माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। हम 8 को नीचे उतार लेंगे, 8 को नीचे उतारेंगे तो हमारा नंबर बन जाएगा 48। 48 क्या हो जाएगा, दोबारा फिर 1 के साथ जाएंगे क्योंकि 2 के साथ जो नंबर आ रहा है वो बड़ा आ रहा है। यहाँ से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 10। तो हम किस तरीके से राइट करेंगे, हम राइट करेंगे कि 1,211 हमारा कोटिएंट है एंड हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ चुका है, 10 आ चुका है। इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग पार्ट हैं सेम यही डिवीजन का आसान सिंपल सा प्रोसेस है, इस सिंपल प्रोसेस के जरिए डिवाइड करने। उम्मीद करूंगी आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।